अगर दोस्तों आपका भी मोबाइल डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, जब भी आप अपना फेसबुक ऑन करते होंगे 2 से 3 घंटे के अंदर आपका सारा का सारा मोबाइल डाटा, जो भी 1 GB 1.5 GB 2 GB डाटा मिलता है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जा रहा है और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो दिन भर अपना फ़ोन चलाते रहते हैं, फिर भी उनका मोबाइल डाटा जो है वो ईजिली जो पूरा दिन निकाल देते हैं, तब भी उनका डाटा बच जाता है। आखिर क्या रीज़न है जो आपको मोबाइल डाटा इतनी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, या फिर उन लोगों ने कौन सी सेटिंग कर रखी जिसकी वजह से उनका मोबाइल डाटा इतनी देर तक चलता है, दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको रीज़न बताएंगे कि आपको मोबाइल डाटा इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जा रहा है, फिर उसके बाद हम आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताएंगे जो सेटिंग करके आप अपना मोबाइल डाटा जो है बहुत टाइम तक की चला सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम आपको रीज़न के बारे में बता देते हैं कि आखिर क्या रीज़न है जो आपको मोबाइल डाटा इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आप अपना फेसबुक ऑन करते होंगे, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपका एरिया है, वहाँ पर अगर मोबाइल डाटा की नेटवर्किंग बेस्ट होगी तो आपका इंटरनेट डाटा बहुत जल्दी से ख़त्म होगा। आगे भी तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप आगे ये सेटिंग देखेंगे कि हाँ ये भी होता है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ क्यों मेरा डाटा इतनी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग करनी। अभी जो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको अपने फेसबुक में, दिखाता हूँ कि आखिर आपका मोबाइल डाटा इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर आपका फेसबुक में डाटा ख़त्म नहीं हो रहा है, अदर्स जगह पर ख़त्म हो रहा है, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप इन चीज़ों में अगर ख़त्म हो रहा है, तब भी मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊँगा जो कि वीडियो के लास्ट में होगी, वो सेटिंग आपको कर लेनी है तो आपका 100% मोबाइल डाटा जो है 100% बचेगा। लेकिन अगर आपका फेसबुक में जा रहा तो ये भी सेटिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको देखना। आपको करना है कि अपना फेसबुक ऑन करना है। फेसबुक ऑन करने के बाद अब यहाँ पर आप जैसे अपनी वीडियोस वाले सेक्शन में जाते हैं, जैसे कि ये वीडियो प्ले हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो प्ले हो चुकी है। अब इस पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको करना क्या है, क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिटी जो है ऑटो है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वीडियो जो है 720p पर चल रही है, यानी कि ये वीडियो जब डाली गई तो HD क्वालिटी में डाली गई 720p पर। अगर आपका मोबाइल जो है अच्छी नेटवर्किंग की जगह पर होगा तो ऑटो जो है आपका फ़ोन जो है इसी 720 पर ही चलाएगा। तो आपको करना क्या है, जो ऑटो है इसको ऑफ कर देना, 360p पर रख देना है। 360 जो होता है HD क्वालिटी में और अच्छे से आपका वीडियो दिखेगा, ठीक है, इससे जो है आपका मोबाइल डाटा जो है 100% बचेगा। यहाँ पर जो दूसरी सेटिंग करनी है वो भी आपको ध्यान से देखनी है, सेटिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डाटा सेवर जो है यहाँ पर दिखेगा, इसको ऑफ है, इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देखेंगे इसको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यूज अप टू 40% जो डाटा लेस, यानी कि अब जो है आपका 40% डाटा जो है एक्स्ट्रा चलेगा। तो है ना ये कमाल की सेटिंग, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दूसरी सेटिंग की, दूसरी सेटिंग क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चलना है। सेटिंग में जाने के बाद अगर आपका मोबाइल डाटा ख़त्म हो रहा है बैकग्राउंड रनिंग में, यानी कि आपका आप कोई भी चीज़ नहीं यूज कर रहे तब भी आपको मोबाइल डाटा खर्चा हो रहा है, तब यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी है। यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर डाटा यूजर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आप फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक डाटा सेविंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और ये जो है हमारा ऑन है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो डाटा सेविंग वाला ऑप्शन है इसको ऑन करके ही रखना है, तब आपको मोबाइल डाटा जो है बैकग्राउंड में यूज़ नहीं होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।